हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज कर्ड राइस बना रही हूँ मैं कुछ अपने तरीके से, तो आप देखिए जैसे मैं घर में बनाती हूँ वही रेसिपी आपको बता रही हूँ। ये मैंने आधा कप चावल लिए हैं, आप देख सकते हैं, और इनको सोक कर लिया है 20 to 25 मिनट डबल पानी लेकर। जैसे मैंने आधा कप लिया है ना, तो 1 कप पानी और 1/4 कप और ऐसे करके उसी में अच्छे से धो के उस पानी में सोक किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रॉपर इसका मेजरमेंट लिख दूंगी। 2 से 3 टेबलस्पून हमने अनार के दाने लिए हैं। ये 1 कप से थोड़ा कम कर्ड है, आप देख सकते हैं मेजरिंग कप है, उससे थोड़ा सा कम कर्ड है। 2 प्याज को मैंने बारीक काट लिया है, हरा धनिया बारीक काट लिया है कटने के बाद, ये 2-3 टेबलस्पून है। 2 ये गोल वाली लाल मिर्च ली हैं, आपके पास जो हो आप वो डाल दीजिए। 8 to 10 करी लीव्स हैं, 1 हरी मिर्च को हमने बीच में से स्लिट कर लिया है। 1 चम्मच राई है, नमक स्वाद के अनुसार है, और ये 1 टेबलस्पून हमने घी लिया है। कुकर गरम हो गया है, इसमें अब हम ये घी डाल रहे हैं। राई डाल देंगे और साथ ही चावल। ये देखिए छोंकने की आवाज आ गई थी तो उससे शायद आपको क्लियर ना हुआ हो, तो मैंने ये चावल जो भीगे हुए थे डबल से थोड़ा सा ज्यादा पानी में वो डाल दिए हैं और नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार, और इसको चलाकर हम कुकर को बंद कर देंगे। और 1 विसल आने के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। जब तक हमारे चावल गर्म हो रहे हैं, पक रहे हैं, तब तक हमने एक फ्राई पैन ले लिया है, उसमें 1 चम्मच घी डाल दिया है। 1 टेबलस्पून हमने लिया था तो थोड़ा सा हमने चावल में डाला है और थोड़ा सा हम ये चौंक में डाल रहे हैं। और घी गर्म होने के बाद प्याज डाल देंगे और इस तरह से हम प्याज को जो है वो भून लेंगे। अब जैसा आप देख रहे हैं बस प्याज का हल्का सा पानी सूख गया है, हल्का पिंकिश हो गया है, तो हम कड़ी पत्ता, सूखी मिर्च और 1 हरी मिर्च, लाल सूखी मिर्च, ये सब डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे कलर जो है वो बिल्कुल बढ़िया रहता है, हरी मिर्ची का कलर भी ग्रीन रहता है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, क्योंकि थोड़ा नमक हमने चावलों में डाला है, थोड़ा इसमें प्याज में डालेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब देखिए ये कुछ इस तरीके का हो गई है प्याज, हल्का ब्राउन हो गया है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे एक साइड में। प्याज अब बिल्कुल ठंडा हो गया है, अब हम इसमें डाल रहे हैं कटा हुआ हरा धनिया और दही जो हमने पहले से विस्क करके रखा हुआ है, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। स्वाद के अनुसार इसमें नमक हम थोड़ा सा और डाल रहे हैं, हमने इसको टेस्ट करके देखा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सके। हम कुकर खोलकर देख लेते हैं, कुकर खोल लेते हैं, प्रेशर इसका अपने आप रिलीज हो गया है, तब हमने चावल को खोला है और आप देख सकते हैं चावल जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल बढ़िया तैयार है, एक एक चावल का दाना खिला हुआ है। अब हम इसमें ये चावल डाल देंगे जो हमने मिक्सचर तैयार किया था कर्ड का, दही वाला, उसमें हम ये खिला हुआ चावल डाल देंगे। ये दावत का चावल है, आप कोई भी चावल बासमती यूज कर सकते हैं, फिर भी मैंने कौन सी ब्रांड यूज की है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। और इसको हल्के हाथ से हम मिक्स करेंगे। ये देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। कुछ अनार हम अभी डाल देंगे और कुछ गार्निश करने के लिए रखेंगे। आप देखिए कितना खूबसूरत ये कलर लग रहा है, और ये हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत टेस्टी लगता है और हल्का होता है खाने के लिए। तो आइए इसकी करते हैं प्लेटिंग, और ये देखिए मैं क्लोजअप में दिखाऊं, एक एक दाना बहुत अच्छा लगेगा इसका टेस्ट। और अब हम कर रहे हैं इसकी प्लेटिंग, देखिए कितने बढ़िया ये राइस लग रहे हैं। और ये करीब 4 लोगों के लिए सफिशिएंट होगा,
तो आप उस हिसाब से जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए कम ज्यादा कर सकते हैं। धनिए से हम इसको कर देंगे गार्निश और ये राइस हमारा तैयार है खाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।